कैसी रहने वाली है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, एक मिनी एसयूवी 2025 में। तो 2025 में देखो एस्प्रेसो का एक अपडेट वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बेसिकली एस्प्रेसो की एक फेसलिफ्ट रहने वाली है। 2025 में आपको मिलेगी ये गाड़ी देखने के लिए। कब तक की बात करें तो ये गाड़ी आपको लगभग लास्ट ऑफ 2025 में देखने के लिए मिल सकती है। इस गाड़ी की जो फेसलिफ्ट रहने वाली है काफी ज्यादा कमाल की आपको मिल सकती है, क्योंकि फ्रंट लुक से अगर आप देखो तो ये हूबहू आपको लैम्बोर्गिनी उरस की याद दिला देगी, क्योंकि इसमें जो आपको एग्रेसिव से लुक्स प्रोवाइड कराई जाएगी ना सुजुकी की तरफ से, वो आपने सोची ना होगी, क्योंकि सामने से आप जो देख लो डीआरएल लाइट्स नहीं आती अभी वाली वेरिएंट में, लेकिन अपकमिंग जो फेसलिफ्ट रहने वाला है उसमें आपको एक काफी अग्रेसिव सी डीआरएल लैंप देखने को मिलेगी, काफी बड़ी सी रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी, और उसके साथ ही साथ जो आपको करंटली गाड़ी में फॉग लैंप हाउसिंग मिलती है वो हाउसिंग रिप्लेस होने वाली है हेडलैम्प हाउसिंग के साथ में। तो आप समझ लो कि आपको जो फॉग लैंप रहेगा वो बड़ा होकर हेडलैम्प बनने वाला है, और जो हेडलैम्प है वो डीआरएल लैंप बनने वाला है, और रेडिएटर ग्रिल थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है पहले के मुकाबले, और जो इंजन अपडेट रहने वाला है वो भी रहेगा गाड़ी में। सब कुछ विस्तार से बताता हूँ, उससे पहले चैनल कर लो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो। ये है गाइस मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, जो कि बहुत सारी नामों से प्रसिद्ध है इंडिया में। ज्यादातर लोग इसे छोटी एंडेवर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये लैम्बोर्गिनी उरस है छोटी सी सस्ती वाली, और कुछ लोग इसे टेम्पू ऑटो रिक्शा जैसी नामों से भी बुलाते हैं। लेकिन गाइस प्रैक्टिकलिटी के साथ देखा जाए तो ये जो गाड़ी है एक परफेक्ट मिनी एसयूवी है, जो कि काफी हद तक अच्छी सी ऑफ रोडिंग कर लेती है मिला जुला कर। उसके साथ ही साथ हाईवे परफॉर्मेंस भी इसकी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, जहां पे कि बाइक पे थोड़ा सा रहता है कि आपका ऐसा जो खतरा है गिरने पड़ने का चोट चपाट लगने का, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है रिस्क एज कंपेयर टू अगर हम लोग सुजुकी की एस्प्रेसो की बात करें तो इसमें आपको ऐसा रिस्क नहीं मिलता। भले इसकी जो करंट सेफ्टी रेटिंग है वो आपको 0 स्टार मिलती हो, लेकिन बाइक से काफी ज्यादा सेफ है, ठुक ठुकाने पे उतनी ज्यादा आपको डैमेज नहीं देगी। लेकिन जो अपकमिंग अपडेट रहने वाली है, नई फेसलिफ्ट रहने वाली है, उसमें सुजुकी ने ये कहा है कि इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगी, जो कि इस गाड़ी की जो सेफ्टी होगी वो इन्हेंस कर दी जाएगी, और काफ़ी सारी जो सेफ्टी फीचर्स होंगे इस गाड़ी में बढ़ा चढ़ा के दी जाएंगी। मतलब इतनी हाईटेक लेवल की भी नहीं, लेकिन एक बजट प्राइस पे जितनी आपको मिलनी चाहिए उतनी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो डिजाइन होगी काफी हद तक आपको ब्रेजा से इंस्पायर देखने के लिए मिलेगी। हाइट प्रोफाइल से देखोगे तो डोर्स पे आपको स्किड बार्स देखने के लिए मिलेगी, जो कि इस गाड़ी को साइड से काफी हद तक प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, और इसके डिजाइन में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी जो कि बजट प्राइस पे काफी सही सी हैं और काफी प्रैक्टिकल भी हैं। गाड़ी में आपको इंटरनली एडजस्टेबल ORBMs भी मिलने वाले हैं इस बारी वाले एडिशन में। साथ ही साथ आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें कि आपको एप्पल कार प्ले एज वेल एज आपको एंड्रॉयड ऑटो ब्लूटूथ जैसी फीचर्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि काफी सही सी चीज है, और उसके साथ ही साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो इतनी छोटी सी एसयूवी में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ये छोटी सी बात तो नहीं है गाइस। उसके साथ ही साथ इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ देखें तो 2025 में आपको इंजन में थोड़ा बहुत अपडेट मिलने वाला है, जो कि 1.2 लीटर की इंजन के साथ में मिल सकता है, जो कि आपको ऐसा 70 HP तक की पावर प्रोड्यूस करके दे देगी, और लगभग 100 Nm तक का टॉर्क, जो कि काफी डिसेंट सी है। इतनी हाई परफॉर्मेंस भी नहीं है, लेकिन काफी डिसेंट सी है, इस वजह से ये गाड़ी काफी बेटर सी माइलेज भी निकाल कर दे देगी। इसको मिलने वाला है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और उसके साथ ही साथ एस्प्रेसो में आपको CNG का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो पेट्रोल के साथ ही साथ आपको CNG वाला भी वेरिएंट मिल जाएगा, ऑप्शनल है ये चीज़। और जो CNG वाला वेरिएंट रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा पावर कम मिलने वाला है, इसमें आपको लगभग 60 HP तक की पावर मिल जाएगी और 78 Nm तक का टॉर्क मिल जाएगा। तो देखा जाए तो मिला जुला कर ठीक सी है CNG वाली एस्प्रेसो भी। सेफ्टी में काफी हद तक चीजें इन्हेंस रहने वाली है, जैसे कि आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी पुश करा है सारी कार मेकर्स को, एटलीस्ट कंपलसरी होनी चाहिए 6 एयरबैग्स। तो इस गाड़ी में भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल सकता है अपकमिंग जो फेसलिफ्ट रहने वाला है उसमें। उसके साथ ही साथ आपको ABS, EBD जैसी चीज़ें भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक्स भी मिल जाएंगे। तो ये सारी जो सेफ्टी फीचर्स में इन्हेंसमेंट है, ये इस गाड़ी को 0 स्टार जो मिलती थी
सेफ्टी रेटिंग उससे इसे एटलीस्ट 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग तक पुश कर देगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस गाड़ी को काफ़ी हद तक प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ भी ढकेल रही है। बजट प्राइस में एक बजट गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सुजुकी जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, वो भी काफ़ी कम कीमतों पे। फिलहाल तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो आपको 4.98 लाख से स्टार्ट होते हुए देखने के लिए मिलता है बेस वाली मॉडल, जो कि आपको ऑलमोस्ट 6.40 लाख पर टॉप मॉडल एंड होते हुए देखने के लिए मिलती है। वहीं अपकमिंग जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसमें आपको थोड़ा बहुत प्राइस में बढ़ावट देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि 5 लाख से स्टार्टिंग प्राइस ही हो इस गाड़ी का और 7 लाख तक पे जाकर ये एंड हो जाए, लेकिन उस रेंज पर अगर लोग जाते भी हैं तो गाइज कहीं ना कहीं उससे बेटर लोग स्विफ्ट वगैरह की तरफ जाना पसंद करेंगे या फिर बलेनो वगैरह लेना पसंद करेंगे। टाटा की पंच की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी इतनी रिलायबल नहीं है, तो जो लोग सुजुकी प्रेमी हैं और बजट में गाड़ी देख रहे हैं उनके लिए एस्प्रेसो एक बेटर चॉइस हो सकती है। फिलहाल गाइज इस वीडियो को कर लेते हैं हम लोग यहीं पे एंड, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल कर देना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन दबाते हुए जाएं।